तो हेलो गाइस, नीट टॉप पर आपका स्वागत है। और आज भी मेरे पास बहुत सारे न्यूज़ है पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से। तो इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी के बारे में। लेकिन ओरिजिनल राहुल गांधी नहीं, फेक राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी के जैसे ही एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। और यहाँ पर उसको आप देख सकते हो, एकदम सेम कपड़े वगैरह भी पहना हुआ है। और उसका जो हेयर स्टाइल से लेकर सब कुछ मिलाकर वो एकदम सेम टू सेम राहुल गांधी की जैसे ही दिख रहा है। और जब वो रिएक्ट करे राहुल गांधी को, जो उसको पप्पू बोलते हैं उसके ऊपर, वो क्या कहे आप खुद देखिए। तो ये कई और जो है पार्टियों के नेता भी हैं, वो आपको चलो मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, राहुल छोटा राहुल सब बात कहेंगे। जी जी। कई ऐसे भी है, कोई बीजेपी के लोग हैं वो जैसे राहुल को पप्पू या दूसरे चीजों से करते हैं, दूसरे नामों से बुलाते हैं, अपमान करते हैं, तो वैसे वो आपको भी करना सहना पड़ता हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब तक उनसे एक पप्पू ना झेला तो दो हो गए, अब तक कौन सा एक पप्पू नहीं झेला अपने पप्पू मान। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम का जो ताजा खबर, वेब सीरीज आउट हो चुका है और उसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी रिएक्ट करे। जैसे कि मैक्स टर्न ने बोला, जस्ट फिनिश दिस सीरीज एंड आई सीरियसली लव्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सीरीज, बाकी टाइम के साथ और बेटर सीरीज के उम्मीद है आपसे, होप यू कीप इंटरटेनिंग अस भुवन भैया। और मनोज दे ने भी स्टोरी दिया, अभी अभी पूरा सीरीज खत्म हुआ, देखकर एक चीज समझ आया, पैसे से खुशी नहीं मिलती, भुवन बाम सर सुपर सीरीज। मीत पैट ने भी कहा, विद यूट्यूब इंडिया फर्स्ट सुपर स्टार, ताजा खबर इज रियली नाइस। और स्ले पॉइंट ने भी बोला, मजा आ गया, मस्ट वॉच। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं अमित भड़ाना के बारे में। तो रिसेंटली अमित भड़ाना ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था, तो उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप उसने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। और वो वीडियो में हुए 2 मिलियन लाइक्स, 3 मिलियन शेयर्स और 15 मिलियन व्यूज। और फिर वो लिखे, लॉन्ग कॉन्टेंट महीनों की मेहनत, उसकी एक क्लिप 10 सेकंड में अपलोड, फिर वो रातों रात वायरल, कहानियां बड़ी मुश्किल है बनाना और उसको उतार के सजाना और भी ज्यादा मुश्किल, कहानियों से भी प्यार किया करो, दिल खोल कर रखा होता है उनमें। तो चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रेजी एक्स वाई जेड के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को मैंने बताया था कि सुपर खलसा और लक्ष्य चौधरी ने मिलकर क्रेजी एक्स वाई जेड के ऊपर एक्सपोज्ड वीडियो बनाए थे। और उस वीडियो में उन्होंने बताया थे कि वो जो वीडियो को रीच बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन क्रेजी एक्स वाई जेड ने एक वीडियो डाला और उस वीडियो में अपने हाथ भी दिखाए और उन सभी चीज के ऊपर बात भी किए। तो इस वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन फिर से सुपर खालसा ने बोला, क्रेजी एक्स वाई जेड ने खुद प्रूव कर दिया कि ये सब फेक था, सिर्फ रेच इंक्रीज करनी थी, कल वीडियो आ रही है विद प्रूफ। और फिर उसके बाद हम बात कर लेते एमईवाई बंटाई के बारे में। तो एमईवाई बंटाई का रिसेंटली एक गाना आउट हुआ था और वो गाना था ड्रिल। तो उस गाने के वीडियो को जो किसी ने कॉपीराइट मार दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसको ओपन करते ही दिखा रहा है, दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू ए कॉपीराइट क्लेम बाय एन किंग म्यूजिक। तो एन किंग म्यूजिक ने उसको जो कॉपीराइट क्लेम दे दिया है और इसके बारे में एमईवाई बंटाई ने अभी तक कुछ नहीं बताया, और जब वो कुछ अपडेट देंगे मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।